me getting trained with the piece of my security. Let me getting trained with the piece of my security. Let me getting trained with the piece of my security. Let me getting trained with the piece of my security. सो हेलो गाइस का सब लोग, तो मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जो है एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसने आप सबकी नाक में दम कर रखा है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके वजह से आप जो है अपना अच्छा गेम प्ले नहीं दिखा पाते। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप जो है बहुत जल्दी मर जाते हो। और किसको अच्छा लगता है यार जल्दी मरना, और किसको अच्छा लगता है कि भाई साहब वो अपना अच्छा गेम प्ले नहीं दिखा सके। और अगर मान लो बाई चांस आपके मैच में लड़की आ जाती है, हालाँकि आती नहीं है, बाई चांस मैंने मानने को कहा है, अगर आ जाती है और भाई साहब उस प्रॉब्लम की वजह से अगर आप मर जाते हो तो दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई मेरे को बताना यही आवाज़ निकलती है कि नहीं निकलती आपके दिल से? ओके, तो लेकिन प्रॉब्लम कौन सी है? तो प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम। जी हाँ, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम की बात की जा रही है यहाँ पे। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो पबजी खेल रहा है उसको दिक्कत हो रही है। लेकिन भाई साहब उसी दिक्कत के लिए तो हम हैं यहाँ पे भाई साहब, उसी दिक्कत को जड़ से निकालने के लिए। लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई जो सोल्यूशन लेके आ चुका है। क्योंकि एक बंदा अपने 6x को कंट्रोल करने में जितनी ताकत लगाता है ना, उतना तो भाई साहब अगर उसने लाइफ में लगा ली होती तो भाई साहब आज उस बंदे की लाइफ सेटल हो जाती है, मतलब एकदम मस्त। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, टाइम बचाते हुए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। So guys, अभी आपकी स्क्रीन पे जो सेंसिटिविटी जो है शो हो रही है, तो आप जो उस सेंसिटिविटी को यूज़ कर सकते हो जिससे आपका जो रिकॉइल है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सके, जिससे आपका स्कोप जो है बिल्कुल भी ना हिले और आप इजीली बंदे को मार सकते हो। तो यू कैन यूज़ दिस सेंसिटिविटी टू डिक्रीज़ योर रिकॉइल। और दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टेप यही है कि अगर आप जो किसी एनिमी को मार रहे हो स्कोप इन करके, तो आप जो क्राउच करके मारा करो, यानी कि थोड़ा बैठ के। ये नहीं कि आप जो है डायरेक्ट खड़े होकर भाई मारना शुरू कर देते हो बंदों को, ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे जो आपका रिकॉइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है अगर आप क्राउच करते हो या फिर प्रोन करते हो, ठीक है। तो इससे जो आपका जो रिकॉइल है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, जिससे आपकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी बन सकती है, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्राउच या प्रोन करके दूर के बंदों को मारा करो, ना कि सीधे खड़े होके। बिकॉज ऑफ यू कैन सी मैनी प्लेयर्स इन वीडियोज़ हु कैन क्राउच बिफोर फायरिंग। और लास्ट बात जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो खुद से सेंसिटिव बनाया करो, ना कि किसी की कॉपी करके। ऐसा नहीं कि कॉपी करके जो आपका सेंसिटिविटी अच्छा नहीं बनता है, आपका भी सेंसिटिविटी अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आप जो खुद से बनाने की कोशिश करते हो ना, तो इससे जो आपको थोड़ी सी मतलब नॉलेज हो जाती है उस चीज़ के बारे में, ताकि आपके पास अगर दोबारा आपकी सेंसिटिविटी बिगड़ती है ना, तो आप जो उस तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा एज़ ऑलवेज़ कि आप जो खुद से ट्राई किया करो। जैसे आप मैच में जा रहे हो तो वहीं पे जो है स्कोप एन को कंट्रोल करने की जो है प्रैक्टिस कर लिया करो, बिकॉज ऑफ एज़ यू नो कि हमारे जो PUBG Lite में अभी तक जो है ट्रेनिंग मोड आया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो आपको जो मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो TDM में जाके 4x रेड डॉट की प्रैक्टिस कर सकते हो और मैच में जाके बाकी स्कोप्स की जो प्रैक्टिस कर सकते हो आप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी यार, लगी होगी कि अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो भाई वीडियो अच्छी लगी होगी ना आपको। तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।